दुनिया के सितम याद ना अपनी ही वफा याद, अब कुछ भी नहीं मुझको मोहब्बत के सिवा याद। फिल्म लैला मजनू के इस डायलॉग से आपको बखूबी बॉलीवुड के चिंटू यानी ऋषि कपूर की याद जरूर आ गई होगी। आज हम भी उन्हें याद कर रहे हैं क्योंकि आज उनकी 69वीं जयंती है। ऋषि कपूर का पिछले साल 30 अप्रैल को ब्लड कैंसर से जूझते हुए निधन हो गया था। ऋषि का परिवार उनके जाने के गम से अब तक उभरा नहीं है। उनकी जयंती से एक दिन पहले ही पत्नी नीतू कपूर और बेटी रिधिमा कपूर को उनकी याद सताने लगी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर ऋषि की फोटो के साथ स्टोरी शेयर की है। इस वक्त भले ही वो हमारे बीच इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी भूली बिसरी यादें जरूर हैं। उनकी इन्हीं यादों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। आज हम आपको उनसे जुड़े कुछ ऐसे दिलचस्प किस्से सुनाने जा रहे हैं जो शायद ही आपने कहीं सुने या पढ़े होंगे। यूं तो चॉकलेटी हीरो रहे ऋषि कपूर से जुड़े कई खास और मजेदार किस्से हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उनकी लव स्टोरी की। ऋषि कपूर की लव स्टोरी भी काफी फिल्मी है। 1974 में फिल्म जहरीला इंसान की शूटिंग के दौरान नीतू और ऋषि पहली बार मिले थे। उस दौरान ऋषि अपनी गर्लफ्रेंड को अक्सर चिट्ठी लिखा करते थे और इसमें नीतू उनकी मदद करती थी, लेकिन शूटिंग के दौरान ही ऋषि का दिल टूट गया और उस दौरान उन्हें नीतू ने सहारा दिया। ऋषि और नीतू सेट पर दोस्त बन गए थे, लेकिन ऋषि को नीतू की कमी तब खली जब वो यूरोप गए अपनी फिल्म की शूटिंग करने के लिए। ऋषि को यहाँ नीतू की याद आने लगी और बिना देर किए उन्होंने नीतू को लेटर्स और टेलीग्राम भेजना शुरू किया। नीतू ने भी उनके हर लेटर का जवाब दिया और यहीं से दोनों के प्यार की शुरुआत हो गई। 70 के दशक में ऋषि कपूर और नीतू सिंह की जोड़ी स्क्रीन पर आते ही लोगों के दिलों पर इस कदर छा गई कि वो एक साथ 12 फिल्मों में नजर आए। दोनों ने साथ में मिलकर कई सुपरहिट फिल्में दी और इसी दौरान दोनों दोस्त से बढ़कर कुछ और हो गए। ऋषि कपूर और नीतू सिंह के लव अफेयर की चर्चा हर तरफ थी और उस दौरान नीतू अपने करियर के पीक पर थी। उसी वक्त ऋषि ने उनसे शादी की बात कही और नीतू ना नहीं कर पाई। शादी के बाद नीतू ने अपनी साइन की हुई सारी फिल्मों को मना कर दिया और सब कुछ छोड़कर 1980 में ऋषि कपूर के साथ शादी के बंधन में बंध गई। हालांकि इसके बाद ऋषि पर घरेलू हिंसा के भी आरोप लगे। दरअसल ऋषि कपूर को शराब की बुरी लत थी और इस बात की खबर मीडिया में कई बार आ चुकी थी। ऋषि के गुस्से की कहानियां भी अक्सर चर्चा में रही थी। कहते हैं ऋषि कपूर शराब के नशे में नीतू के साथ झगड़ा और मारपीट करते थे। कहा जाता है कि नीतू ने कई दफा बच्चों के साथ घर भी छोड़ा, लेकिन वो बाद में वापस आ गईं। हालांकि नीतू ने कभी इस पर खुलकर कोई बात नहीं की और इसे हमेशा एक पारिवारिक मामला बताकर टाल दिया। अब बात करें उनसे जुड़े किस्सों की, तो इन्हीं में से एक है उनके बचपन का किस्सा। दरअसल उनके बारे में कहा जाता है कि जब उन्होंने चलना भी शुरू नहीं किया था, तभी से वो शीशे के सामने खड़े होकर कई तरह की शक्लें बनाया करते थे। कहा जाता था कि भले ही वो घर में सबसे छोटे और प्यारे हों, लेकिन उनकी अपने पिता के सामने आवाज तक नहीं निकलती थी। उनके बारे में एक बात और कि वो हमेशा से ही बहुत स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन रहे थे और वो रविवार को अपने चाचा शशि कपूर की तरह ही ऑफ लिया करते थे। ये वो दिन था जब खुद को वो टाइम देते थे और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। वो अपने बच्चों के पैरों पर खड़े होने तक उन्हें फ्लाइट की इकोनॉमी क्लास से ही ट्रैवल करवाया करते थे। कहा जाता है जब रणवीर कपूर 16 साल के हुए थे तो उन्होंने अपनी माँ से एक गाड़ी की फरमाइश की। इस पर पापा ऋषि ने साफ कहा, तुम्हारी अभी कार रखने की उम्र नहीं आई है। ऋषि कपूर ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में की। ऋषि ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत महज 3 साल की उम्र में फिल्म श्री 420 से 1995 में की थी। इसके बाद ऋषि ने 1970 में मेरा नाम जोकर में राज कपूर के बचपन का रोल प्ले किया था। बॉबी फिल्म से उन्होंने सुपरहिट डेब्यू 1975 में किया। ये फिल्म उनके ही पिता के निर्देशन में बनी थी। 70 के दशक में जब एक्शन फिल्मों का क्रेज था, तब ऋषि कपूर रोमांटिक हीरो के किरदार में नजर आए थे। बॉबी उस दौर की सुपरहिट फिल्म थी और इस फिल्म ने ऋषि कपूर को रातों रात स्टार बना दिया था। दोस्तों, ये थी ऋषि कपूर की कहानी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक भी करें और आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ तक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।